एक चीज समझ लीजिए, ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, अगर गाड़ी घटिया है तो यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। ड्राइवर अच्छा हो लेकिन गाड़ी घटिया हो, यात्रा सुरक्षित हो सकती है? मिस्त्री अच्छा हो लेकिन बिल्डिंग मटेरियल खराब हो, घर सुरक्षित हो सकता है? डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवा घटिया हो, शरीर स्वस्थ हो सकता है क्या? ऐसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, कितना ही मेहनती हो, कितना ही ईमानदार हो, कितना ही राष्ट्रभक्त हो, लेकिन अगर कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था जो है कमजोर पड़ गई है, तो याद रखिए न माओवाद कम होगा, न नक्सलवाद कम होगा, न अलगाववाद कम होगा, न धर्मांतरण कम होगा, न जिहाद कम होगा, न मजहबी उन्माद कम होगा, न कट्टरवाद कम होगा, न घूसखोरी कम होगी, न जमाखोरी कम होगी, न मिलावटखोरी कम होगी, न कालाबाजारी कम होगी, न नशा तस्करी कम होगी, न मानव तस्करी कम होगी, कुछ भी कम नहीं होगा। जो समस्या भारत में है वो अगर अमेरिका में नहीं है तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा काबिल है, ज्यादा मेहनती है, ज्यादा ईमानदार है? नहीं। डिफरेंस क्या है दोनों देशों में? कानून, दैट्स इट। केवल और केवल, केवल और केवल। और याद रखिए, अगर आप इसको सुधारेंगे नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। आखिर क्या कारण है भारत में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं? एक मेरी पीआईएल चल रही है, माननीय विकास सिंह, जिसमें अपीयर भी करते हैं। 2017 में मैंने पीआईएल फाइल किया था कि भारत में 5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी आ चुके हैं। ये रोहिंग्या बांग्लादेशी अमेरिका क्यों नहीं जाते, सिंगापुर क्यों नहीं जाते, चाइना क्यों नहीं जाते, फ्रांस क्यों नहीं जाते, भारत क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। हमारे यहां 1946 का फॉरनर एक्ट चल रहा है, उस वो फॉरनर एक्ट एकदम टीथलेस है, उसमें कोई दांत नहीं है। उन सबको पता है, बाहर वालों को, कि यहां घुस जाओ, एक बार घुस गए कोई दिक्कत नहीं। और जो सबसे बड़ी समस्या है, एक कड़वी सच्चाई, आप इसको समझिए, घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, और घूस दे के वोटर आईडी बनवाते हैं। अब सवाल यह है कि भारत में लोग 2-2, 3-3 हजार रुपए दे के 5-5-6, मतलब 10-12 हजार रुपए में 5-6 डॉक्यूमेंट तैयार करा लेते हैं, ऐसा अमेरिका सिंगापुर में क्यों नहीं करा लेते? क्योंकि हमारे यहां आप फर्जी डॉक्यूमेंट बना दीजिए आधार, अब वो आधार आपने फर्जी बनाया है, सिद्ध करने के लिए कम से कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपको लड़ना पड़ेगा। हमारे यहां लोग फर्जी पासपोर्ट बना के क्यों कैसे दे देते हैं? फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, घर बैठे बैठे ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है कि नहीं मिलता? घर बैठे बैठे और वोटर आईडी आती है, घर बैठ के आपके आधार आता है, घर बैठ के आपका राशन, सारे डॉक्यूमेंट कैसे आ जाते हैं? इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप वास्तव में इस देश को सुधारना चाहते हैं, हम चाहते हैं इस देश में रूल ऑफ लॉ हो, इस देश में कानून का शासन हो, तो सबसे पहले हमें कानून बदलना पड़ेगा, और जिसकी कोई लागत नहीं है, जिसकी कोई लागत नहीं है, कानून बदलने की कोई लागत नहीं है। हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके हाईवे बना लेते हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके एयरपोर्ट बना लेते हैं, हजारों करोड़ खर्च करके हम रेलवे लाइन की बिछा लेते हैं, लेकिन हम कानून नहीं बनाते जो फ्री बन सकता है। 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके आप हाईवे बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उस पर 1 करोड़ लोगों को बेनिफिट होगा। 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके आप मुंबई दिल्ली का एक्सप्रेसवे बनाएंगे, उस पर 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा, उतने लोग चलेंगे। लेकिन आप फ्री में अच्छा कानून बना दीजिए, 140 करोड़ लोगों को फायदा होगा। भारत में जुडिशियल रिफॉर्म खर्च करने पे ज्यादा से ज्यादा 10 हजार करोड़ का खर्चा आएगा, मैक्सिमम 10,000 करोड़। इतना तो हमारे देश में चुनाव के बाद लोग मुफ्त में बांट देते हैं, कोई कलर टीवी बांट रहा है, कोई वॉशिंग मशीन बांट रहा है, कोई जो है मंगलसूत्र बांट रहा है, किसी किसी राज्य में अलग अलग, कोई किसी राज्य में लैपटॉप बांटा जा रहा है, किसी राज्य में स्मार्टफोन बांटा जा रहा है, कुछ ना कुछ फ्री में बांटा जा रहा है। यह कितने दुख की बात है
हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, हमारा थाना आज भी अंग्रेजी कानूनों से चलता है, हमारी तहसील आज भी अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारा जिला आज भी अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारा हाईकोर्ट आज भी अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारा सुप्रीम कोर्ट आज भी अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है। हम इतने सक्षम नहीं हुए कि हम अपना कानून अपने हिसाब से वर्तमान रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना ले। मंगल पर जाने की तैयारी, चंद्रमा पे पहुंच गए, मंगल पे तैयारी चल रही है, बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च कर दिए, लेकिन मैकाले का बनाया हुआ 1860 का इंडियन पिनल कोड हम नहीं बदल पाए। मैं अभी अमेरिका का फेडरल पिनल कोड पढ़ रहा था, तो मैं उसमें कंपेयर कर रहा था कि जो घटना उदयपुर में हुई है, अगर यह घटना अमेरिका में हुई होती तो कितनी सजा मिलती। हमारे इंडियन पिनल कोड में एक धारा है 302 मर्डर, पति पत्नी को मारे तब भी 302, भाई भाई को मार दे तब भी 302, सड़क पर रोड रेज हो जाए तब भी 302, आतंकवादी मार दे तब भी 302, एक बिस्वा जमीन की लड़ाई हो जाए मर्डर हो जाए तब भी 302, दस बीघे जमीन की लड़ाई मर्डर हो जाए तब भी 302। हमारे पूर्वांचल में कहावत है, सब धान 22 पसेरी, जो लोग पूर्वांचल होंगे जानते होंगे। अमेरिका का मैं फेडरल पिनल कोड पढ़ रहा था, मर्डर की अलग धारा, बुचरिंग की अलग धारा, जेनोसाइड की अलग धारा, हेट क्राइम की अलग धारा, टेररिज्म की अलग धारा। तो जब मैंने कैलकुलेट किया तो पता चला कि कन्हैया को जिसने मारा उदयपुर में, अगर उसने अमेरिका में मर्डर किया होता उसको 550 साल सजा होती। अमेरिका में कितनी होती? 550 साल। भारत में कितनी होगी? आजीवन कारावास, फांसी नहीं होगी। फांसी हुई क्या पिछले 20 साल बताइए? याकूब मेनन के अलावा और अफजल गुरु के अलावा किसी को फांसी हुई? जबकि हर हफ्ते एक दो लोगों को मार दिया जाता है, नहीं हुई फांसी। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि सबसे पहले जो सरकार कर सकती है देश हित में, बिना किसी बजट के, कम से कम पैसे में, बिना लोगों पे एक्स्ट्रा टैक्स थोपे हुए, वो जुडिशियल रिफॉर्म कर सकती है, जो ये विषय है। और जहां तक बात करप्शन की है, केंद्र और राज्य का टोटल बजट 70 लाख करोड़ रुपए है। कितना है भैया? इस 70 लाख करोड़ का 20% घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी में चला जाता है। 70 लाख करोड़ का बजट का 20% का मतलब हुआ 14 लाख करोड़। यह 14 लाख करोड़ बचाया जा सकता है, यह 14 लाख करोड़ बचाया जा सकता है अगर उस पर गंभीरता के साथ चर्चा हो। कैसे बच सकता है? सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है, इसका मतलब 80 करोड़ लोग पर डे 150 रुपए से कम खर्च करते हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 110 करोड़ लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। तो भारत के 110 करोड़ लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, यानी 80% लगभग। जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम है, पेटीएम है, भीम है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो फिर ये 500 और 2000 की नोट किस लिए? जो 20% लोग 100 रुपए ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास सब है, जो खर्च नहीं करते उनको 2000 नोट की जरूरत नहीं है। अगर हम 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें तो 25% भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा। और भ्रष्टाचार खत्म होने का मतलब 25% भ्रष्टाचार खत्म होने का मतलब 25% घुसपैठ खत्म हो जाएगी, 25% धर्मांतरण खत्म हो जाएगा, 25% अलगाववाद खत्म हो जाएगा, 25% आपका खालिस्तानी अलगाववाद खत्म हो जाएगा, सभी जितनी देश विरोधी गतिविधियां हैं सब 25% कम हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी देश विरोधी एंटी नेशनल एक्टिविटी फ्री में नहीं होती, सब बाकायदा पैसे से होती है।